गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स सब्जेक्ट कंप्यूटर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिविजन वर्क ऑफ थर्ड यूनिट टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स. सो द फर्स्ट इज डैश सेपरेट्स मल्टीपल स्टेटमेंट इन अ सिंगल लाइन. मीन्स क्या है जो एक की पंक्ति में कई स्टेटमेंट को अलग करता है. सो द आंसर इज कोलन. जो कोलन है वो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एक ही लाइन में सेपरेट करने का काम करता है. नेक्स्ट है अल्फ़ा न्यूमेरिक कांस्टेंट आर नोन एज डैश कांस्टेंट. जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कांस्टेंट है उन्हें और किस नाम से जाना जाता है. सो द आंसर इज स्ट्रिंग. जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कांस्टेंट है उनको स्ट्रिंग कांस्टेंट भी कहा जाता है. थर्ड इज डैश इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. इसमें से क्या है जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है. सो द आंसर इज क्यू बेसिक. जो क्यू बेसिक है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है. फोर्थ इज डैश इज यूज टू फाइंड द सम ऑफ अ सीरीज इन अ रो एंड कॉलम क्विकली. इसका यूज जो सम की सीरीज होती है रो और कॉलम में उसको क्विकली फाइंड करने में किया जाता है. सो द आंसर इज ऑटो सम. जो ऑटो सम है उसका यूज हम सम की सीरीज को क्विकली फाइंड करने के लिए करते हैं. फिफ्थ डैश मीन्स चेंजिंग द अपियरेंस ऑफ द नंबर विदाउट चेंजिंग देयर वैल्यू. इसका मतलब है कि जो नंबर है उसकी वैल्यू को बिना चेंज किए उसकी अपीयरेंस को चेंज करना. सो द आंसर इज नंबर फॉर्मेटिंग. नंबर फॉर्मेटिंग से हम क्या कर सकते हैं जो नंबर है उसकी वैल्यूज को चेंज किए बिना उसकी जो अपीयरेंस है उसको चेंज कर सकते हैं. सिक्स चेंजिंग द प्लेसमेंट ऑफ द सेल कॉन्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द सेल मार्जिन इज कॉल्ड डैश. मीन्स सेल मार्जिन के संबंध में सेल कॉन्टेंट के प्लेसमेंट को बदलना क्या कहलाता है. सो द आंसर इज चेंजिंग अलाइनमेंट. जो तो क्या कहेंगे कि सेल मार्जिन के संबंध में सेल कंटेंट के प्लेसमेंट को बदलना चेंजिंग अलाइनमेंट कहलाता है. स्टूडेंट आई होप यू विल अंडरस्टूड. थैंक यू.